Hey guys, what is up? This is Vaibhav again. पिछले हफ्ते मैं ECOLE गेमिंग इंस्टीट्यूट जो मुंबई में है दादर में प्रभादेवी के नज़दीक मैं वहाँ पे गया था क्योंकि मुझे उन्होंने बुलाया था एक छोटा सा वर्कशॉप करने के लिए. तो ये वर्कशॉप बेसिकली आर्ट एंड डिज़ाइन पे फोकस्ड था. 3 घंटे का वर्कशॉप था. हम लोगों ने वहाँ पे जाके हमारे स्टूडियो के अंदर का जो प्रोसेस होता है कि हम आर्ट वर्क कैसे करते हैं, एक नॉर्मल 3D मॉडल को लेके टेक्सचरिंग अनरैपिंग करके उसको कैसे फाइनल उसका आउटपुट निकालते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा सेशन था 3 घंटे का. तो वो करने में उस इंस्टीट्यूट में गया था. लेकिन इसके पहले मैं ÉCOLE इंस्टीट्यूट में कभी नहीं गया था. ÉCOLE INTUIT.LAB कभी नहीं गया था मैं वहाँ पे. पर ये एक मौका मिला मुझे वहाँ पे जाके देखने के लिए एग्जैक्टली अंदर हो क्या रहा है. तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था देख के, बिकॉज मुझे इसके पहले ये नहीं पता था कि मुंबई में ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं. और 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं, पर फ़िलहाल मैं ECOLE में जा चुका हूँ और मैंने वहाँ पे देखा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है. तो काफ़ी बेटर पोजीशन है. जो भी वो सिखा रहे हैं, जो भी वो एफर्ट्स ले रहे हैं, जो भी उन लोगों ने सेटअप किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का या फिर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, काफ़ी अच्छे हैं. तो मुझे अगर क्योंकि मैं वहाँ पे था तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की एक छोटी सी इंस्टीट्यूट के टूर की. तो मुझे वहाँ पे परमिशन मिल गई और मैं आपको इस वीडियो में उनका जो इंस्टीट्यूट है उसका जो टूर दिया गया है मुझे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्विक टूर. Welcome to ECOLE INTUIT.LAB. We are a school of design and creativity. We offer courses in visual communication and game art and design, and I'm quickly going to take you through a walkthrough of our campus. These are students inquiring about courses in visual communication, graphic design. As you walk down the hallway, you'll see a lot of creative work of the students put up over there. That's the gaming lab. Some of our work with the students who graduated this year, this is their portfolio work, from packaging design to UI UX into app design, all of that is displayed here. Our classrooms. What are these pictures? So this is again work of our first year and second year students where they are learning different topics such as typography, they are learning computer graphics, they are learning creativity, packaging design, and other such subjects. A lot of the students specializing in app design. You see a lot of work when it comes to UI UX where students have started to master their skills. Animation. Another classroom. This is the hangout area where students kind of take break, a little bit of table tennis, jam sessions happen over here. Yeah, they need to really to have fun. Go to the cafeteria. Yeah, just say your word. Yes, hello. Yeah. Hi, welcome to ECOLE INTUIT.LAB. Please come and visit us. We have a lot of things to tell you.
As Druti asked me information we need about training in gaming, we'd be happy to help. Thank you. Thank you, Yang. Cool. All right, thanks a lot, Druti. Thank you. I look forward to coming and doing more workshops with you. Thanks, Vaibhav, for the workshop today that you did with us on advanced game art and design. Definitely. Thanks a lot. So guys, मुझे बहुत अच्छा लगा इंस्टीट्यूट इनका ओवरऑल फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेटर था बाकी इंस्टीट्यूट से जो मैंने पिछले और भी देखे हुए हैं. अगर आप आर्ट और डिज़ाइन में फोकस्ड हो तो आप डेफिनेटली इनका करिकुलम चेक करो. यहाँ पे छोटे मोटे वर्कशॉप्स भी होते हैं एवरी वीकेंड, संडे या सैटरडेज कोई किसी इंडस्ट्री वेटरन्स को लाके छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी करते हैं जो फ्री होते हैं. तो फ्री होते हैं तो आप उन जो वर्कशॉप्स है उसमें जाके देख सकते हो, बैठ सकते हो, सीख सकते हो चीज़ें, कनेक्ट बना सकते हो वहाँ पे. एक और एक बूट कैंप कर रहे हैं ये लोग, उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. वो बूट कैंप के डिटेल्स भी चेकआउट करना क्योंकि वो आई थिंक 4 या 4.5 महीने का कुछ बूट कैंप कर रहे हैं. ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये वीडियो उसी के बारे में था. अंदर से बहुत लोगों को देखने मिलते नहीं है कि इंस्टीट्यूट्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं स्टूडियोज़ और इंस्टीट्यूट्स. तो ये एक छोटा सा मेरा एफर्ट था वो दिखाने का. मुझे और भी ऐसे मौके मिलेंगे कई किसी और इंस्टीट्यूट्स के, तो मैं वो वीडियोस में डेफिनेटली इस चैनल पे लाऊंगा. ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. अगर नए हो तो कुछ डिटेल्स जानने हैं आपको, कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा. इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक.